डॉक्टर भाऊदाजी लाड म्यूजियम, और सामने एरो जहाँ दिख रहा है वहाँ से टिकट लोग ले रहे हैं। और यहाँ की टिकट प्राइस एडल्ट का जो है 10 रुपये है, और बच्चे का 5 रुपये 5 से 12 वर्ष का, और फॉरेनर का जो है एडल्ट 100 रुपये, फॉरेनर चिल्ड्रन 50 रुपये। ये म्यूजियम 10 से 5:45 तक खुला रहता है। टिकट काउंटर 10 बजे से लेकर 5:30 तक खुला रहता है, और ये म्यूजियम वेनेसडे को बंद रहता है और पब्लिक हॉलीडे को भी बंद रहता है। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो इसके बारे में जानकारी लेकर आओ कि खुला है या नहीं, नहीं तो फिर वापस लौटना पड़ेगा। इस म्यूजियम के अंदर जैसे ही आओगे आपको वीडियोस बनाने से मना करेंगे, बोलेंगे वीडियो मत बनाओ फोटो लो, तो आप वीडियोस बना सकते हो हल्का फुल्का, उसमें उतना रोकेंगे भी नहीं। और ये म्यूजियम काफ़ी अच्छा भी है, ऐसा आने पर पूरा पैसा वसूल है ये समझ जाइए। और अगर यहाँ पर आ रहे हो तो रानी बाग घूमिए, रानी बाग के बाद ही इस म्यूजियम में आइए। स्नैक देख रहे हो, ये म्यूजियम मुंबई भाईखाला में है। जैसे ही रानी बाग के लिए अंदर एंट्री मारोगे वहाँ पे आपको ये म्यूजियम मिल जाएगा। इस म्यूजियम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मंदिर और कई जगह के मंदिर भी रखा गया है। संस्कृति के बारे में बताया गया है, भारत के मॉडर्न स्कूल के बारे में, और ये तोप के बारे में दिखाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आओगे तो 10 रुपये ही सिर्फ है, और ये तलवार दिखाया है, और यहाँ पे ताजमहल भी है आगरा का, तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये नीचे का सीन है, और यहाँ पर और एक माला है, वहाँ भी कई सारे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उधर भी देख सकते हो, वहाँ पे कोई रोक नहीं है, जाकर देख सकते हो। और वहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मंदिर हो गया, भारत की संस्कृति ये देख रहे हो, भगवान का फोटो, और ये भी यहाँ जो भी कुछ सामान है उसके सामने लिखा हुआ क्या है। और ये मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न स्कूल देख रहे हो कैसा दिख रहा है। अभी ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे वाद्य यंत्र है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। अब पूरा समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे क्या रखा है। नाव वगैरह भी रखी गई है, बोट रखे गए हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मैप भी रखा गया है, जो आपको समझ में आ जाएगा मुंबई पहले कैसे दिखती थी, 7 टापुओं का शहर फिर कैसे एक में मिला, सब कुछ यहाँ दिखाई दे देगा। पहले मुंबई के 7 भाग थे तो फिर सब मिलकर एक हुए, ये नाव दिखाई दे रहे। यहाँ पे वीडियोज उतना बनाने नहीं देते, मुंबा देवी माता का मंदिर मुंबई में जो स्थित है। और ये सब भारत के किसानी के बारे में बताया गया है, ये पूरा गांव है, गांव में लोग, गांव के लोग कैसे रहते हैं, और ये मॉडर्न खेती के बारे में दिखाया गया है। ये किसान गन्ना का खेती कैसे कर रहे हैं, गन्ने की खेती करते हुए और ये गन्ने से कैसे गुड़ बन रहा है। यहाँ पे धान की खेती हो रही है, धान
धान की खेती कैसे करते हैं यहाँ दिखा दिया गया है। देख रहे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ दिखाया गया है, हर किसी को समझ में आ सकता है। ये काट रहे हैं, फिर उसके बाद धान पीट रहे हैं, और पीटने के बाद जो है गजहरी जो बनाते हैं वो देख रहे हो यहाँ पे। और इधर से जब जैसे आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे दिया गया है कि आपको कैसा अच्छा लगा कि या क्या क्या लगा, उसके बारे में लिख कर वहाँ पे डाल सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे मुंबा देवी मंदिर तो है लेकिन जीवदानी माता मंदिर नहीं है, वो लिख सकते हो। और कई सारी मंदिरें जो हैं यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में भी लिख सकते हो। और मैं लिखना भूल गया तो आप लिख देंगे तो यहाँ पे वो रख देंगे, ऐसा भी है। योगा करते हुए देख रहे हो यहाँ पे बहुत कुछ है। और यहाँ पर आ रहे हो तो सिर्फ यही म्यूजियम देखने के लिए मत आइए, पहले रानी बाग जाइए। रानी बाग के बाद आप यहाँ पे आइए, 20 से 25 मिनट आराम से घूम लेंगे पूरा। और यही वो रखने के लिए है। और ये म्यूजियम है, उसके सामने देख रहे हो रानी बाग।